नमस्कार मित्रों, आज का विषय हम एक कहानी से शुरू करते हैं। बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग। श्रावस्ती नगरी में चेतवन वन में बुद्ध विहार कर रहे थे। वहां के उद्यान में अपने शिष्य समुदाय के साथ ठहरे हुए थे। उसी गांव में, उसी नगरी में एक व्यक्ति की, एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका बेटा उस व्यक्ति की लाश के पास, अपने पिता की लाश के पास बैठा हुआ था। दो दिन से वह अपने पिता की लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था और वही विलाप कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। मैं उनको ऐसे वैसे नर्क के स्थान पर जाने नहीं दूंगा, कैसे भी करके उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। वह गांव वालों को, हर एक व्यक्ति को वो पता बोल रहा था कि कोई तो उपाय बताओ जैसे मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान मिल जाए, तब तक मैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। गांव वाले उसे समझाते थक चुके थे, पर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, ना ही अंतिम संस्कार करने को तैयार था। तो गांव वालों ने उसे सुझाव दिया कि चले, अगर अपने ही नजदीक के जेतवन में, उद्यान में बुद्ध अपने शिष्यगण के साथ ठहरे हुए हैं, वह जरूर तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, वह समाधान दे पाएंगे। हो सकता है वह तेरे पिता को स्वर्ग में स्थान दिला पाए, क्योंकि हमने सुना है कि बुद्ध बहुत उत्तम पुरुष है, बहुत ज्ञानी है, वह भगवान है। वह व्यक्ति मानने को तैयार हुआ है। गांव वालों के साथ अपने पिता की लाश को उठाकर बुद्ध के विहार में चला गया। वहां जाकर वह अपने पिता की लाश को नीचे रखता है और बुद्ध से बहुत रोते हुए, बहुत काल आजीजी करते हुए वह बुद्ध से बोलता है कि बुद्ध, कुछ भी करो, मैं अपने पिता को ऐसे नहीं जाने दे सकता, उनको स्वर्ग में स्थान दिला दो। उसकी हालत देखकर बुद्ध समझ गए, इससे अभी कोई भी उद्देश्य काम नहीं आने वाला है। कुछ भी समझाएंगे या अभी समझने की स्थिति में नहीं है, क्या किया जाए, इसे किसी और तरीके से समझाया जाए। तो बुद्ध तुरंत ही समझ गए। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, भाई मैं तेरा ये काम कर सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना। वह व्यक्ति तुरंत तैयार हो गया कि अगर आप मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान दिलाने को तैयार हो तो मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूँ, बताइए मुझे क्या काम करना है। तो बुद्ध ने कहा, तू अपने घर जा, घर जाकर दो मटकियाँ ले, दो छोटी सी मटकियाँ लेनी है तुझे, और उसके अंदर, एक मटकी के अंदर तुझे घी भरना है, घी से पूरी मटकी भर देनी है और उस मटकी का मुँह कपड़े से बांध देना है, और दूसरी मटकी के अंदर तुझे कंकर डालना है, कंकर डालकर उस मटकी का मुंह भी तुझे कपड़े से बंद कर देना है, और यह दोनों मटकियां लेकर तू अपने गांव की नदी के किनारे पहुंच, हम वहीं पर चलते हैं, हम वहीं पर तेरा इंतजार करते हैं। वह व्यक्ति तो खुश हो गया, वह दौड़ा, भागा अपने घर मटकियां लेने, और जैसे ही वह गया, बुद्ध ने गांव वालों को कहा, इनके शव को नदी किनारे ले लो। बुद्ध अपने शिष्यगण के साथ, गांव वालों के साथ नदी किनारे पहुंच गए। वह उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति दोनों मटकियों को भरकर बुद्ध के पास आया, उस नदी के किनारे पहुंचा, बुद्ध ने कहा, चल अब मैं तेरा इलाज करता हूँ। वह व्यक्ति खुश हो गया, उसे लगा अभी तो बुद्ध जरूर मेरे पिता को स्वर्ग में स्थान दिला देंगे, और यह चमत्कार तो मुझे देखना ही है। गांव वालों को भी लग रहा था कि बुद्ध आज क्या चमत्कार करने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है और यह कैसा दिखेगा, हमने कभी ऐसे देखा नहीं है कि किसी मरते हुए व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वर्ग में स्थान मिल जाए, और वह भी किसी के एक चमत्कार से। चलो आज कुछ नया देखते हैं। और बुद्ध के शिष्य भी बुद्ध को देखते रह गए, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, बुद्ध क्या करने जा रहे हैं, ना कभी ऐसा हो सकता है। कर्मों को हम कभी भी इस तरीके से नहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध क्या करने जा रहे हैं, चलो देखते हैं बुद्ध क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा, इन दोनों मटकियों को तो पानी के अंदर रख दे। जैसे ही उसने दोनों मटकियों को पानी के अंदर रखा, बुद्ध ने बाजू में पड़ी एक लकड़ी को उठाया, उस लकड़ी से दोनों मटकियों को जोर से दे मारा। जैसे ही बुद्ध ने दोनों मटकियों पे लकड़ी मारी, दोनों मटकियां टूट गई। घी वाली मटकी में से पानी के ऊपर घी तैरने लगा, और कंकर वाली मटकी में से जो कंकर थे वो पानी के अंदर बैठ गए। बुद्ध ने कहा, एक काम कर, यह घी जो है ना उसे तो पानी के अंदर डुबो दे, और यह कंकर जो है उसे तो पानी के ऊपर तैरा दे,
तो वो व्यक्ति बुद्ध को बोल रहा है, बुद्ध आप तो महाज्ञानी हैं, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, ये कैसे संभव है। बुद्ध बोल रहे हैं, नहीं नहीं हो पाएगा, तू करके तो देख, तू करके तो देख, हो जाएगा। इस घी को तुझे पानी के अंदर डुबोना है और इन कंकर को पानी के नीचे से उठाकर तुझे पानी में तैराना है, ये बहुत आसान है, तू कर पाएगा, तू करके तो देख। वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देख रहा है, बुद्ध आप मुझसे मजाक कर रहे हो, घी का स्वभाव है, उसका धर्म है, वह पानी से हल्का होता है, वह पानी के ऊपर तैरेगा, और कंकर का स्वभाव होता है वह पानी से भारी होने की वजह से वो पानी के नीचे डूब जाएंगे। यह उल्टा काम करने को आप मुझे कैसे बोल रहे हैं, यह दोनों अपने गुणधर्मों के विपरीत कैसे काम करेंगे। घी पानी के अंदर नहीं डूब पाएगा, वो ऊपर ही तैरेगा। कंकर पानी के ऊपर नहीं तैर पाएंगे क्योंकि उसका धर्म है पानी से भारी होना, वो पानी के नीचे ही चले जाएंगे। यह संभव नहीं है, यह कतई ही संभव नहीं है। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध की मुस्कुराहट में उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध की मुस्कुराहट देखकर वह व्यक्ति बुद्ध को देखता ही रह गया, क्या न जाने क्या बुद्ध कहना चाहते हैं, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, बालक मैं तुझे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तेरे पिता ने यह घी की तरह हल्के कर्म किए होंगे तो उन्हें कोई डुबा नहीं सकता, उन्हें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तेरे पिता ने यह पत्थर की तरह भारी कर्म किए होंगे वह कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, उन्हें डुबाने से कोई नहीं बचा सकता, वह नरक में ही जाएंगे। अगर उनके कर्म घी जैसे हल्के हल्के होंगे वह ऊपर ही उठेंगे, वह स्वर्ग ही पाएंगे, सुकून ही पाएंगे। उस व्यक्ति को समझ में आ गया बुद्ध क्या कहना चाहते थे। अगर मेरे पिता ने हल्के कर्म किए होंगे तो वह स्वर्ग में अवश्य स्थान पाएंगे, लेकिन मेरे पिता के कर्म या मेरे कर्म अगर भारी होंगे, पत्थर की तरह भारी होंगे, तो हमें नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। पूरे गांव वालों को यह बात समझ में आ गई। जो चमत्कार देखने खड़े थे उन्हें सचमुच चमत्कार दिखा, उन्हें समझ में आ गया, पूरे जीवन का सार, पूरे कर्मों का सार इन लोगों को समझ में आ गया। यह उपाय सबके उद्धार के लिए बहुत कारगर हुआ। मित्रों, हमारे जीवन में भी हमें देखना चाहिए कि कर्मों को हम किस प्रकार से बांध रहे हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, घी की तरह हल्के हल्के कर्म किए हैं, तो हमारे जीवन में यह दुख तकलीफें कभी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम कहीं भी सफर कर रहे हैं, हम कहीं पर बहुत भारी बन से गुजर रहे हैं, तो हमें देखने की जरूरत है कि हमारे कर्म क्या पत्थर की तरह भारी है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत अच्छी समझ मिली होगी।